हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज द स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स। देखिए, स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स में मैं डिस्कस करूंगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बायो मॉलिक्यूल्स में। एंड यदि आप पेप्टाइड बॉन्ड, ज्विटर आयनिक फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड कंसेप्ट नहीं किए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे कंप्लीट करिए, बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स। एक प्रोटीन की बात करते हैं। यू नो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड बोलिए, प्रोटीन बोलिए, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो ये प्रोटीन, जो स्ट्रक्चर्स की बात करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो आपको फिगर दिख रहा है, दैट इज लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। कभी भी एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स ऐसे लीनियर सीक्वेंस में आपको दिखेंगे तो समझ जाइए वो प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में फॉर्म किया, या इट फॉर्म्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। यह है लीनियर सीक्वेंस, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब इस लीनियर सीक्वेंस में आपको क्या फायदा होता है, सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट यह है कि इट गिव्स अस पोजिशनल इंफॉर्मेशन, इट गिव्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन। पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अमाइनो एसिड्स। अच्छा, कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, एग्जैक्टली आपको पोजिशन पता चलेगा। यदि यह स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता तो पोजिशनल इंफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का फायदा क्या है? इट गिव्स यू पोजिशनल इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर किसने स्टेबलाइज किया, कौन से बॉन्ड्स रेस्पॉन्सिबल है? तो ये स्टार होगा या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दिख रहा है, यहां जो बॉन्ड्स होंगे, अदरवाइज बोलिए द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। द प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलिए, एग्जैक्टली पेप्टाइड बॉन्ड्स की बात हो रहा है। सो द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर स्टेबलाइजिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर। यू नो पेप्टाइड बॉन्ड्स का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, मेटास्टेबिलिटी होता है, अप टू 190 डिग्रीज, 200 डिग्रीज तक होता है स्टेबिलिटी। सो द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड बोलिए या कोवेलेंट बॉन्ड बोलिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है लीनियर सीक्वेंस, ये जो लेफ्ट साइड एंड है, ये जो लेफ्ट साइड एंड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप फ्री होगा, अमाइनो ग्रुप, इसलिए इसे हम बोलेंगे एंड टर्मिनस, एंड टर्मिनस। ये जो लास्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा, सो इसे हम बुलाएंगे सी टर्मिनस। सो पेप्टाइड बॉन्ड का या एक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का ग्रोथ जो होता है ना, एंड टर्मिनस टू सी टर्मिनस के डायरेक्शन में होगा। आया समझ में? तो ये हो जाता है क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस बताया, ग्रोथ बताया, एंड टर्मिनस सी टर्मिनस का बात किया। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको इवन साइड चेन्स, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, ये सब आपको दिख जाते हैं। यस, इतना काफी है। एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, अगर जीन में कोई म्यूटेशन आ गया, यू नो जीन राइट, म्यूटेशन इन अ जीन, म्यूटेशन इन अ जीन विल चेंज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का ये जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कब बदल सकता है, अगर जो जीन होगा जो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है उस जीन में यदि कोई चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन आते हैं। म्यूटेशन कंसेप्ट मॉलिक्यूलर बेसिस में क्लियरली आप समझोगे तो ठीक है। तो बस मैं यहां पे पॉइंट ऐड किया, चेंज इन द जीन सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विल चेंज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। होप यू अंडरस्टूड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। लुक एट हियर, दिस इज अमाइनो ग्रुप फ्री एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री, सो दैट इज एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस। नाउ लेट अस लुक इनटू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये सपोज आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर था जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था। तो कभी भी याद रखिए, नो प्रोटीन एग्जिस्ट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर लॉन्गर टाइम। हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं रहता है प्रोटीन। सून दिस प्रोटीन अंडरगो कॉइलिंग। तो ये कॉइलिंग में जाएगा। प्रोटीन किस में जाता है? कॉइलिंग में जाता है। तो प्रोटीन जब कॉइलिंग में जाएगा तो टू टाइप्स ऑफ कॉइल्स आर पॉसिबल। एक होता है कुछ ऐसा, एक होता है कुछ ऐसा जिसे मैं बोल रहा हूं अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी जो है, अनदर पॉसिबिलिटी इज दिस वन, बीटा प्लीटेड शीट्स। ये क्या है? बीटा प्लीटेड शीट्स। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन आई सेड अल्फा हेलिक्स, द सेकेंड वन इज बीटा प्लीटेड शीट्स। तो देखिए, बीटा प्लीटेड शीट्स तो बहुत रेयर है, बीटा प्लीटेड शीट्स रेयर होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, बीटा कैराटिन।
यू नो केराटिन, राइट? केराटिन जानते हो आप. सो बीटा केराटिन इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर बीटा प्लीटेड शीट्स. अब इसमें पैरेलल बीटा शीट्स, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स भी होते हैं. अभी के लिए आप इतना याद रखिए, अ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड व्हेन अंडरगो कॉइलिंग देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इट कैन फॉर्म अल्फा एंड इट कैन फॉर्म बीटा. अल्फा इज मोस्ट कॉमन, अल्फा इज मोस्ट कॉमन, अल्फा ही कॉमन है, ये रेयर है. अल्फा क्या है? राइट हैंडेड कॉइलिंग है, राइट हैंडेड कॉइलिंग है. अल्फा में राइट हैंडेड कॉइलिंग होता है. ये पॉइंट समझ आ गया? अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं. अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट्स या सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ, किसने स्टेबिलाइज किया इसे? तो देखिए, ये प्राइमरी है ना, एज इट इज बना देता हूं. देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एइथ. तो ऐसे आपका ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ऐसे एइथ है. सो अमीनो एसिड्स का कॉइलिंग हुआ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपको मैं समझने के लिए ऐसा कुछ टर्म यूज किया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अबाउट लोकलाइज्ड कॉइलिंग. जो नियर बाई अमीनो एसिड्स है उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं. बॉन्ड कहां कहां फॉर्म होगा? आइथ अमीनो एसिड विथ आई प्लस फोर अमीनो एसिड. आइथ अमीनो एसिड का मतलब ये आइथ अमीनो एसिड है, समझ लो, मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड समझो. I प्लस फोर समझ जाते हो, फिर प्लस फोर का मतलब यहां आ जाता है I प्लस फोर. तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. ये कंटिन्यू होगा फिर फोर्थ टू नेक्स्ट एइथ है या नाइन्थ है. सो ये ऑर्डर है, या आप ऐसे रफली समझना है तो एवरी फोर्थ अमीनो एसिड के पास, एवरी फोर्थ अमीनो एसिड. बट दिस इज परफेक्ट, आप ऐसे ही याद रखो. आइथ अमीनो एसिड इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ I प्लस फोर. तो आपको मैं समझाता हूँ. सपोज ये आइथ अमीनो एसिड है, यहां समझ लेते हैं ये कहीं पे I प्लस फोर है, I प्लस फोर है, फिर यहां पे, फिर यहां पे. इन दिस वे सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज स्टेबिलाइज्ड बाय विच बॉन्ड्स? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात हो रहा है. आ रहा है ना समझ में? आराम से जा रहा हूं मैं, समझिए. फर्स्ट आपको प्राइमरी में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स या पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, सेकेंडरी में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं होंगे. मतलब द सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबिलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओनली. अब मैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड हटा दूं तो ये कॉइल क्या बनेगा? फिर से प्राइमरी बनेगा ना. लुक एट हियर, दिस इज अल्फा हेलिक्स. ये जो येलो कलर में आपको दिख रहे, ये सब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. किसके किसके बीच में फॉर्म होता है? आइथ अमीनो एसिड, आई प्लस फोर अमीनो एसिड, जैसे कि यहां समझा दिया. अल्फा हेलिक्स के केस में क्या है? देखिए, ये प्राइमरी है, ये सेकंड. अल्फा हेलिक्स जो होता है, यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, याद रखिए, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. विद इन द चेन फॉर्म हुआ, एक ही चेन है यहां पे. लेकिन बीटा के केस में क्या होता है? बीटा शीट्स कब बनते हैं? तो सुनिए, बीटा प्लीटेड शीट्स जो होता है, इन जनरल मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन होगा तो बीटा शीट्स फॉर्म होते हैं. इस फिगर में देखिए, दो शीट्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. यहां पे मैं बना रहा हूं, देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मिंग बीटा. सर, एक ही चेन होगा तो बीटा शीट्स फॉर्म नहीं होगा क्या? तब भी पॉसिबिलिटी है. ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, बैक फोल्ड होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं. सो दिस इज अल्फा, राइट हैंडेड मोर कॉमन, बीटा रेयर, बीटा केराटिन. अल्फा तो मैंने बोला हर जगह अल्फा मिलेगा, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, अल्फा केराटिन, ये सब आप एग्जांपल में ले सकते हैं. होप यू अंडरस्टूड इंट्रा चेन, इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड टोटली सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबिलाइज्ड बाई व्हाट सर? हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओनली, नो कोवेलेंट बॉन्ड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर. वो हाइड्रोजन होगा, तोड़ोगे प्राइमरी आ जाएगा वापस. अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए, टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है ग्लोबलाइज्ड कॉइलिंग, जो दूर दूर अमीनो एसिड है प्राइमरी स्ट्रक्चर में. लुक एट हियर, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. आई प्लस फोर, आई प्लस फोर का मतलब समझाया था, वो लोकलाइज्ड कॉइलिंग था. अब यहां पे कोई यहां रैंडम है, जो दूर दूर अमीनो एसिड है, ये देखिए ऐसे पास आ जाएंगे फिर. सो दिस इज व्हाट ग्लोबलाइज्ड कॉइलिंग ऑफ अमीनो एसिड्स. प्राइमरी स्ट्रक्चर था, उसका ग्लोबलाइज्ड कॉइलिंग होगा तो आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. तो पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर आप बता रहे हो क्या टर्शियरी की बात कर रहे हो. भाई टर्शियरी स्ट्रक्चर जब फॉर्म होगा ना, तो आपको क्या दिखेंगे? डोमेन्स एंड मोटिव्स दिखेंगे, डोमेन्स एंड मोटिव्स दिखेंगे. इनफैक्ट फोल्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर आया, डोमेन है. डोमेन एक बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, जो फंक्शनल यूनिट है. या ऐसे बताइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कोई भी एंजाइम हो या प्रोटीन हो, एंजाइम्स अदरवाइज प्रोटीन्स, दे आर फंक्शनल, दे आर फंक्शनल इन देयर
3D स्ट्रक्चर ओनली, टर्शरी स्ट्रक्चर ओनली, 3D स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर में ये फंक्शनल रहते हैं. द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स ऑब्जर्व्ड इन टर्शरी स्ट्रक्चर ओनली. आया समझ में? अब टर्शरी स्ट्रक्चर के लिए कौन से बॉन्ड्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट? यहां आपको कोवलेंट बॉन्ड्स सच एज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स रहेंगे. कोवलेंट में क्या आ जाएगा? डाइसल्फाइड. कोवलेंट में डाइसल्फाइड बॉन्ड. बाकी सब टर्शरी स्ट्रक्चर स्टेबिलाइज्ड बाय हाइड्रोजन आयनिक वंडरवाल फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस बोल के याद रखिए. सो आया समझ में? टर्शरी स्ट्रक्चर इज अबाउट बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम और प्रोटीन. यहां पे क्या होता है फिर? अब बता रहे हो 3D स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इसी में देखेंगे. टर्शरी स्ट्रक्चर मैंने समझाया. एक सिंगल पेप्टाइड है समझो, पॉलीपेप्टाइड, उसका हाईएस्ट लेवल क्या है? तो वो टर्शरी है. वो ये सिंगल पेप्टाइड है, देखिए दिस इज सिंगल पेप्टाइड. इसने क्या किया? इसने सेकेंडरी बनाया, इसने टर्शरी बनाया. सो फॉर अ सिंगल पेप्टाइड हाईएस्ट लेवल इज टर्शरी स्ट्रक्चर. लुक एट हियर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी. डोमेन्स एंड मोटिव्स आर फॉर्म. डोमेन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन फोल्डिंग का मतलब ही डोमेन वगैरह टर्शरी स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट होता है, प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग या ग्लोबलाइज्ड कॉइलिंग. एंड बॉन्ड्स कौन से हैं? यहाँ पे मैंने प्रॉपरली लिखा, आप इसके थ्रू जाइए. अब मैंने बोला एक ही पेप्टाइड है तो हाईएस्ट टर्शरी है ना, तो क्वार्टरनरी के लिए कंडीशन क्या है? तो भाई मोर देन वन पेप्टाइड होना चाहिए. देखिए मोर देन वन पेप्टाइड, मल्टी सब यूनिट्स होना चाहिए, मल्टी सब यूनिट होना चाहिए. या मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है. मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड होगा तभी क्वार्टरनरी फॉर्म होगा. जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि इंसुलिन की बात करता हूं, इंसुलिन में दो पेप्टाइड चेन्स है, ए पेप्टाइड एंड बी, तो इंसुलिन कैन फॉर्म क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. इन द सेम वे हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा, हीमोग्लोबिन में 4 है, ये डेफिनेटली क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. तो कौन से बॉन्ड्स है फिर यहां पर भी? तो याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक इंटरैक्शंस, दे स्टेबिलाइज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. एंड लुक एट हियर, कलर डिफरेंस देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये एक पेप्टाइड है, जो अलग कलर में दिखा है अनदर पेप्टाइड. मोर देन वन पेप्टाइड होना चाहिए. होप यू अंडरस्टूड द वीडियो. मैंने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किया. सो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए. अगर इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए. एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम श्रवंस बायोलॉजी. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. यू विल गेट मच मोर वीडियोज रिगार्डिंग द कंटेंट, बायोलॉजी कंटेंट आपको मिलता रहेगा. थैंक यू.